दिखाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के दिठाकर फैमिली व्लॉग्स में। मैं हो चुकी हूँ सुबह उठ के ब्रश करके तैयार। अभी भी आईज देख रहे हैं आप सभी लोग, फूली फूली हुई है क्योंकि मैं बस अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले उठी हूँ। आज रिकॉर्डिंग वाला दिन है, बहुत सारा इसमें मतलब हम लोग को पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैसे गाएंगे, कैसे मतलब सब कुछ, बहुत कुछ आपको हम बता भी नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम लोग बस तैयार होते हैं और यहाँ से निकलते हैं स्टूडियो के लिए। तो रात में मैंने सबके लिए कपड़े निकाले थे कि सब क्या क्या पहनेंगे, और ये रही मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। ये मम्मी हमारी पूरा घर समेटते हुए, पापा हमारे धूप तापते हुए, और सनी हमारा एज यूजुअल सोते हुए। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये कलर मुझे बहुत पसंद है, और ये साड़ी अब फिर पता नहीं आप देख पा रहे होंगे नहीं देख पा रहे हैं। तब मैं जल्दी से अपने आप को ही मैं देखती रहूँगी, इससे अच्छा है मैं जल्दी से खाना वाना खाऊं और फाइनल रेडी हो जाऊँ। अभी तक पापा हनी सनी नहाए भी नहीं है और मैं इतनी जल्दी रेडी हो गई। तो अभी है खाने में आलू गोभी मटर की सब्जी, और मम्मी ने सुबह सुबह उठ के बहुत सारी रोटियां बनाई हुई हैं। तो मैं बिल्कुल तैयार होकर आ चुका हूँ, और अभी मम्मी ने बनाया है रोटी और सब्जी, तो जल्दी से खाते हैं और काफी लेट हो चुका है ऑलरेडी, तो निकलते जल्दी से यहाँ से। हे बैलेंस बिगड़ा अभी इसका। सनी गाड़ी आ गई नीचे भाई, जल्दी खाओ। आने दो यार, ऐसा कौन क्या कॉम्बिनेशन है ऑरेंज और इसका? पहले रोटी सब्जी खा लूंगा फिर इसको लेके दबा दूंगा ऑरेंज। अरे तो ये माइक कैमरा लैपटॉप ये सब ले जाना है, गाड़ी नीचे आ चुकी है और ये अभी तक खाना ही खा रहे हैं। चलो भाई। बाप रे, आज मैं इतने दिन बाद निकली हूँ घर से बाहर, सब कुछ अलग अलग लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, रिकॉर्डिंग हो चुकी है खत्म, और सब यही कह रहे हैं कि अगर सनी ना हो तो सनी के बिना मजा नहीं आए। ऐसा सच्ची में? सच्ची में सही बात है, सही बात। हनी देखो, हनी देखो, इसको मौका मिलते ही फोन ले गया बिल्कुल। ओ मुस्कुराता रहेगा। वैसे भी सनी ना हो ना तो ये जो स्टूडियो का जो रौनक है वो ना हो। सनी है तो रौनक है। मतलब हम लोग इधर पिछले 3 दिन से ऐसा लग रहा है ना धूप का बिल्कुल, तो अभी जज्बा और नई नई ऊर्जा, नई नई किरण आई है। Yes. हम सब अच्छे से मोटिवेट हुए हैं और आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे हमने गाने रिकॉर्ड किए हैं, और आज हमारे साथ 2 नए सदस्य जुड़े हैं। यहाँ पर है हमारे साथ प्रियंका जी, और ये तो हमारी दादी है। दादी तो मेरी दादी माँ की जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है ना, बिल्कुल गाँव में इसके बगल ऐसे बिल्कुल बगल बगल घर है, और हम लोग कभी भी दादी माँ का ढूंढना होता है ना, तो हम लोग अपने घर में नहीं उनके घर में जाके ढूंढते हैं कि दादी माँ वहाँ पे बैठी होंगी। और उनकी सिस्टर, उनकी बहन है हमारे साथ, जो आज हम लोग ऐसे रीयूनाइट हुए हैं, लेकिन इनको मैं आंटी बोलूंगी क्योंकि आजकल ना सब बुरा मान जाते हैं दादी बोलते हैं। तो बहुत मजा आया इधर संतोषी आंटी, आज इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग है, आज हम इनको अलग निगाहों से देख रहे हैं। ललिता आंटी हमारे साथ, और ये रहा फोन में लगा रहता है, मुस्कुराता रहता है हल्का हल्का, तभी मेरे को डाउट होता है कि आप लोगों की बात कहीं सच तो नहीं। तो जब भी मतलब ऐसा होता है ना सिचुएशन कि ये फोन में देख रहा है हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, तो मुझे ना वो बात सच होती नजर आती है जो आप लोग के होने में पूछते हैं, नहीं है ना। एक चीज में जब मंजीरा बजा था ना, तो भैया ना फोन में देख करके ना ऐसे। अच्छा, ये भी एक भैया है जो भी फोन में देख के मुस्कुराते रहते हैं। जो लोग फोन में देख के स्माइल करे मान लो ये बात गड़बड़ है। तो बस अभी 6 बजे वैसे व्लॉग जाने का टाइम था आज वाला, लेकिन अभी शायद ये एडिटिंग अब चालू करेगा फटाफट, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप सभी लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या क्या मम्मी बनाई है खाने में, उसके बाद उसका दिखाएंगे आपको सब लोग। अपना आराम करिए, बाय बाय तब तक। तो अभी हम निकले हैं डिफरेंट की तलाश में, डिफरेंट किधर है, आजा सनी। डिफरेंट पार्क में क्या कर रहा है सनी? खेल रहा है, पार्क में तो खेलेगा ना। आजा
तो अभी 6 बज गए ठीक है, और अभी बस निकलेंगे हम यहाँ से। मम्मी का मन कर गया थोड़ा मोमोज खाने का, तो यहीं पे मिलता है वो, वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मिलता ही नहीं बढ़िया वाला मोमोज, और लक्षण भैया के पास हम जाते नहीं उतना कि हम खा पाए मोमोज, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टेस्टी वाला बनाता है, तो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, वो लेंगे उसके बाद चलेंगे। 6 ऑलरेडी बज चुका है, ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है ना ही अपलोड हुआ है, ऑब्वियसली एडिट नहीं हुआ तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये डिफरेंट आ गया है। तो मैं जाता हूँ मम्मी के लिए मोमोज लेके आता हूँ। आपके लिए मोमोज। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। तो यही चेक करने के लिए आए थे, तुम स्वेटर शॉल पहनी हो गई। अरे अभी दवाई लेने के लिए जब गया ना मेडिसिन की दुकान पे, मुझे एक दवाई लेना था तो मेडिसिन की दुकान पे गया, वहाँ पे दीदी ब्लॉग देखती हमारा, पूछ रही थी कि पूरा ठंड भीग गया तुम गर्म कपड़े नहीं पहनोगे। सही है। तो अभी रात के 11 बज गए हैं, क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां से आने के बाद खाना पीना खा के पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ठंड है, रजाई के अंदर निकलने का मन नहीं कर रहा। अभी मैं मम्मी और दीदी के रूम में आके ऐसे पड़ा हुआ हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ बस। तो अभी रात के 1 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत तेज नींद आ रही है और आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। ओके मम्मी, कल तो पढ़ा था वैसे। यस, एक चैप्टर पूरा पढ़ा था मैं 2 बजे रात तक। एक चैप्टर कितना दिन लगा तेरे को पढ़ने में? 2 दिन। यार बहुत टफ है यार ये वाला, बहुत टफ है, उसको याद रखने में, ईयर से याद रखने में भाई बहुत दिक्कत होती है सही में। मैं बोला बनाना पड़ता है। हाँ, मुझे लगा था कि मैं इस चीज में शार्प हूँ कि मैं ईयर वीयर याद रख सकता हूँ पुराने जमानों का, लेकिन सही में भाई दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। और चलते हैं थोड़ा एलेक्सा के साथ पंथिया करते हैं। हे एलेक्सा, तुम पगला गई हो क्या? और मैं कभी नहीं। एलेक्सा, ऋषभ ठाकुर कौन है? ऋषभ ठाकुर एक यूट्यूबर है। अरे भाई पैसा दिखा दिया। कमाई हो भाई, कमाई क्या दिखा रहे हैं? चैनल को 30,26,57,486 अवलोकन मिली है। मेरा दीदी एक्सपोज हो गया हूँ मैं, मेरा सारा कमाई लोगों के सामने खुल गया हो। ऑब्वियसली फेक ही होगा यार, एग्जैक्ट कौन बता दूं? मैथिली ठाकुर का कमाई बताओ। बाप रे, तो मैथिली ठाकुर का यूट्यूब पर हर साल 3,35,40,000 रुपए कमाने का अनुमान है। ओ भाई, झूठी एलेक्सा की बातों पे ना आए आप, ठीक है, और चलते हैं सोने के लिए, बहुत ज्यादा खुश कर गया है इसने। तो एलेक्सा की बातों में बिल्कुल ना आए। अब मैं जा रहा हूँ मम्मी सोने के लिए, और मेरा मन कर रहा है कि मैं भी चाय और फैन खाऊं। मेरा मतलब दब से मन कर रहा है 3-4 घंटे से, लेकिन मैं मम्मी मैं अभी को बोल रहा हूँ मैं प्लीज बनाने दो चाय, प्लीज बनाने दो चाय, मैं मना कर रही हूँ। बॉर्न बेटा बच्चे पीते यार, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कॉलेज में आ गया हूँ मम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ। गुड नाइट। फोन के चार्जर लगाए और फोन के पास पाउडर क्या कर रहा है? कुछ है काम ऐसे थोड़ा बता देते पकड़े के लिए। तो जोक सुनाओगे? सुना दो। देख नहीं, बाप रे, अबे जोक सुना। लोग YouTube छोड़, YouTube ही नहीं चलाएगा ठीक है। हाँ, जब हम गेट को लॉक करते हैं, हाँ हाँ, उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? गेट लॉक हो जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, आपसे मिलते हैं हम कल इसी YouTube चैनल द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों से नहीं। बाय बाय, खत्म, टाटा, बाय बाय। यस, बाय बाय।